दोनों मरने से पहले सच सच बता दो, क्या कुंवर प्रताप के गले में वो विष था या नहीं? नहीं लगता, उस हार में कोई विष नहीं था। प्रताप के साथ तुम पर विश्वास क्यों नहीं था? मैं स्वयं अपने ऊपर विश्वास करता, उससे पहले ही कुंवर प्रताप ने मुझ पर विश्वास किया। प्रताप, हम जानते हैं तुम यहीं आसपास कहीं छुपे हो। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे दोस्तों के साथ सारा दिन खेल सकते हैं, मगर ये बेचारे जिंदा नहीं रहेंगे सारा दिन। थोड़ी देर में मौत के घाट उतर जाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे ये दोस्त जिंदा रहे तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। हमारा वादा है कि जैसे ही तुम अपनी जान हमारी हथेली पे रखोगे, हम तुम्हारे दोस्तों की जान बख्श देंगे। ये बैरम खान का वादा है। किसका वादा है? किसका वादा है? मुगलिया फौज का वादा है। देखा उदय सिंह जी, कितनी विशाल सेना लेके आए हैं हम पर हमला करने हेतु। उदय सिंह जी, कीजिए कीजिए, बूंदी पे हमला कीजिए। अरे, आपके राजकोष और सुगंध वाली रानी को प्राप्त करने हेतु हम एक तो क्या तीन चार बूंदी को न्योछावर कर सकते हैं, हमारा सर्वस्व न्योछावर कर सकते हैं। रावत जी, हम मुगल सेना अध्यक्ष को संभालते हैं, उन्हें अवश्य पता होगा कि राव सुल्तान कहाँ है। आप बाकी की सेना को संभालिए। जी रावत जी। जलगार हो, सिंह तुम्हारे साथ दो दो हाथ करने का मुझे कब से इंतजार था। आज अल्लाह ने यह मुराद भी पूरी कर दी। आओ देखें तुम्हारी शमशीर में कितनी धार है। यूसुफ खान, हमें तुमसे लड़ने में कोई रुचि नहीं है। तुम तो भाड़े के विदेशी सैनिक हो। हमें यह बता दो कि वो राव सुल्तान कहाँ है। हम तुम्हें यहाँ से चुपचाप जीवित जाने देंगे। तुम एक बात भूल रहे हो उदय सिंह, मैं सुल्तान सिंह के साथ हूँ, लेकिन सुल्तान सिंह नहीं हूँ। मैं हमेशा अपने दुश्मन को कड़ा मुकाबला दिया करता हूँ। लो संभालो। उदय सिंह तूफान, हम तुमसे अंतिम बार पूछ रहे हैं यूसुफ खान, बताओ कि राव सुल्तान कहाँ है। उदय सिंह, सुल्तान सिंह उतना बेवकूफ नहीं है जितना तुम उसे समझते हो। बहुत जल्द वो तुम पर उस जगह वार करने वाला है जिसका तुम कोई जवाब नहीं दे पाओगे। उसे बर्बाद कर देगा वो तुम्हें। यूसुफ खान, सज्जा जी, अब आपको जीजा को छोड़कर हमें अपना आदर्श मानना आरम्भ कर देना चाहिए। वो तो हम थे जिसे सही समय पर सही निर्णय ले लिया।
संकट में घिरे राणा जी की सही समय पर सहायता होगी। यदि जीजा की बात सुनते तो न जाने हमारे राणा जी किन संकटों में जूझ रहे होते। अच्छा हुआ जीजा जो हमने आपकी बात नहीं सुनी। बेना, हमें तो लगता है आपको मेवाड़ के महल में ही रहना चाहिए था, क्योंकि जब से आपसे आपका महल छूटा है आपकी बुद्धि लगता है ज्वरग्रस्त चल रही है। सच्चा बेना। धीर भाई जी, हमने भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना की है कि इस बार आपने जो हठपूर्वक करवा लिया है वो सफल लाए, अब सही निकले। राणा जी कुशल हो, किंतु यदि आप गलत निकली तो बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा आपको धीर भाई जी। रानी सा, एक बहुत बड़ी सेना तीव्र गति से हमारी महलों की तरफ बढ़ती चली आ रही है। अवश्य राणा जी होंगे, ममरक जी की सहायता से युद्ध में विजय होके लौट रहे। जाके मुख्य द्वार खोलने का आदेश दे दीजिए, भव्य स्वागत करेंगे हम राणा जी का। और जीजा, इस बार राणा जी का स्वागत हम ही करेंगे, क्योंकि हमारी बात का बार बार विरोध करके आपने राणा जी का स्वागत करने का नैतिक अधिकार खो दिया है। कहीं ऐसा ना हो जीजा कि हमारी बात का बार बार विरोध करके आपको मूल्य चुकाना पड़े। हे गिरधर गोपाल, राणा जी को स्वस्थ और सकुशल रखने और विजय श्री के साथ वापस लाने के लिए कोटि कोटि आभार। जब तुम जानते हो कि तुम एक कायर राजा के लिए लड़ रहे हो तो फिर क्यों अपने प्राण देना चाहते हो? क्योंकि मैं सुल्तान सिंह के लिए नहीं, अपने बादशाह जलालुद्दीन और बैरम खान के लिए लड़ रहा हूँ, कि तुम्हारे पूरे राजपुताना को एक दिन खत्म कर देंगे। हाँ, खत्म कर देंगे। राजपुताने को खत्म करोगे? हाँ। वो भी तुम लोग? ये तो समय बताएगा। उठाने को खत्म करेंगे। राणा जी, विजय हमारी है। जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय बूंदी के सैनिकों, तुम्हारा राजा राव सूरतन बूंदी छोड़कर भाग चुका है। तुम्हारा भाड़े का विदेशी सेनाध्यक्ष ये यूसुफ खान मारा जा चुका है। चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो, तुम लोग युद्ध हार चुके हो। रावत जी, बूंदी की प्रजा को तत्काल एक शासक की आवश्यकता है। हमें हरा सूरजन सिंह का राज्याभिषेक कर देना चाहिए, वही यहाँ की प्रजा के लिए सही और न्यायप्रिय शासक होंगे। आपका कहना उचित है राणा जी, और वैसे भी हरा सूरजन सिंह जी कई वर्षों से ना बूंदी के कारागृह में बंदी रहे। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप पर संतुलन बनाए रखना ही हड्डा राजपूत की शान होती है। हम अभी तत्काल उन्हें मुक्त करवाते। कौन है? कौन है वहां पे? चले जाओ यहां से और कह दो अपने अत्याचारी सुल्तान सिंह से
इस जीवन में ये सर उसके सामने कभी नहीं झुकेगा। आज से बूंदी की समस्त प्रजा आपके आगे ही अपना शीर्ष झुकाएगी हाड़ा सुरजन सिंह जी। रावत जी, डुड्डा, पिताजी, पता है पिताजी, राणा जी ने अपनी सेना सहित आके उस राव सुल्तान को हवा के भगा दिया। आपकी प्रजा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। श्रृंगार में कोई भूल चुक हो गई हो तो तुरंत ठीक कर दो। हे भगवान, कितना नखरा। विजयोल्लास और आनंद का क्षण है अंसा, ऐसे नहीं कहते। हाड़ा सुरजन सिंह की जय। 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 महाराणा उदय सिंह जी, बूंदी को सुल्तान सिंह के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए हम और हमारी प्रजा सदा ही आपकी आभारी रहेगी। हाड़ा जी, जब तक राव सुल्तान सिंह जीवित है तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत बदले लेने हैं हमें उससे, बहुत बदले। अमरक जी आप यहां? राणा जी आप यहां? मामला जी, आप हमारी रानियों को बिचोलिया में अकेला छोड़कर आप बूंदी में क्या कर रहे हैं? आपने बुलाया था, संदेश भेजा था, हम तो अपनी पूरी सेना लेकर आपकी सहायता के लिए यहाँ हैं। क्या? हमने कौन सा संदेश भिजवाया था आपको? ये राव सुल्तान का षड्यंत्र है, उसने आपको सेना सहित यहाँ बुलाया है ताकि वहां बिचौलिया में हमारी रानियां और मेवाड़ का राजकोष वो सुरक्षित रह जाए। राव सुल्तान, क्या बात है जीजा, अब तो राणा जी की सेना इतनी पास आ चुकी है। ये हमारी सेना नहीं है धीर भाई जी, ये बूंदी का ध्वज है जी। मुख्य द्वार बंद करो। चलो चलो, चलो। द्वार बंद। सुगंध वाली रानी, आप चाहे दुर्ग के मुख्य द्वार बंद करें या अपने मन के द्वार, हम तुम्हारा कार्य करके जाएंगे। एक लिंगेश्वर नाथ जी, आप ही हैं जो हमारे कुल की मान मर्यादा की रक्षा कर सकते हैं। चाहे तो हमारे प्राण ले लीजिए, अंत हमारे रानियों के मान सम्मान और मर्यादा पर आंच मत आने देना। गिरधर गोपाल, आज हमारे सामने फिर से वो घड़ी आ गई है जहां एक क्षत्राणी को अपने जीवन और गौरव दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। हमें शक्ति दीजिए प्रभु,
हम आपके आशीर्वाद से अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने गौरव को बचा सके। आज हम आपके सामने प्रण लेते हैं कि अब चाहे हमें अपने प्राण ही क्यों ना निछावर करने पड़ जाए, हम अपने लिए अपने मित्रों को मरने नहीं देंगे। हम प्रण लेते हैं प्रभु। हम जानते हैं आप सभी हमारे बिजोलिया किले के द्वारपाल और दुर्ग रक्षक हैं, किंतु आप सभी में से अधिकांश के पास युद्ध का अनुभव भी नहीं है। किंतु यदि आपके पास अपने सम्मान और गौरव की रक्षा करने के लिए मर मिटने का साहस है तो कोई भी सेना आपको पराजित नहीं कर सकेगी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सब सुरतन सिंह की सेना के साथ तब तक लोहा लेते रहेंगे जब तक राणा उदय सिंह और मामरख जी अपने सेना सहित वापस नहीं आते। हम पर विश्वास रखिए महारानी साहब, जब तक हम जीवित हैं राव सुरतन सिंह को किले के अंदर नहीं घुसने देंगे। देख लिंग जी, जय लिंग जी, देख लिंग जी, जय लिंग जी, जय राजपुताना, जय राजपुताना। तो यह है आपकी सुरक्षा योजना, मुट्ठी भर द्वारपाल और दुर्ग रक्षक। इतनी बड़ी सेना के सामने बूंदी की विशाल सशस्त्र सेना ने हमें चारों ओर से घेर लिया है, कब तक सामना करेंगे? जीजा। नहीं सज्जा भाई जी, महारानी जी को बाल गोपाल की पूजा शांति से करने दीजिए। अब उन्हें उनके बाल गोपाल ही कोई मार्ग दिखा पाएंगे। हमें पता है कि इस किले में मुख्य सैनिक नहीं है। अधिक से अधिक छोटी मोटी टुकड़ी होगी यहाँ सुरक्षा हेतु। ये बात हमें कैसे पता चली, ये हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे घुमेरू जी, क्योंकि बिजोलिया की सेना तो राव मामरख जी के साथ उदय सिंह जी की सहायता करने गई है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये बिजोलिया के राजा राव मामरख नहीं, राव मामूर्ख है। बहरहाल निडर हो जाइए हमारे वीर सैनिकों, और निडर होकर दुर्ग के मुख्य द्वार को तोड़ दीजिए ताकि हम भीतर जा सके हमारी सुगंध वाली रानी के पास। जाइए। हुकुम, आप तो कह रहे थे कि यहाँ कोई सेना नहीं है, तो फिर हम पर ये तीरों की बौछार कौन कर रहा है भीतर से? हमारे पास दिव्य दृष्टि है, हम देख सके उस पार क्या चल रहा है। जहाँ आप खड़े हैं वही हम खड़े हैं, जो आपको दिख रहा है वही हम दिख रहे हैं। तो जो कि आपको लगेगा वो हमें नहीं लगना चाहिए, समझे आप? हमारी सुरक्षा कीजिए, पता कीजिए कि तीर कहाँ से आ रहे हैं। हुकुम, इनके तीर में वो गति नहीं जो हमारे सैनिकों को भेज सके। हम क्यों ऐसे डरे हुए हैं, झुके हुए क्यों हैं? भैरू जी, इसका अर्थ ये हुआ कि किले के भीतर एक भी नियमित सैनिक नहीं है। शेर से कौन बच पाएगा अभी? मारो लो सबको। अरे रे रे।
लगता है इस बार तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें शेर का शिकार होने के लिए छोड़ दिया। बहराम खान, अपने लोगों के सामने अपने आप को शेर कहने से कोई शेर नहीं बन जाता। तुम कोई शेर नहीं, एक लोमड़ी हो लोमड़ी, जो अपने ही मार्ग में अपनी चालाकी और क्रूरता को वीरता मान के नाचते रहता है। तुम्हें क्या लगता है बहराम खान कि प्रताप तुम्हारी बातों में आकर या तुमसे लड़ने के लिए आएगा, वो भी अकेले? ऐसा सोचना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है बहराम खान। प्रताप तुम्हारी ही चाल से तुम्हारा ऐसा शिकार करेगा कि तुम देखते रह जाओगे बहराम खान, देखते रह जाओगे। हमारे मित्र हमें बहराम खान के सामने ना आने का संकेत तो नहीं दे रहे। इतनी लाते और जूते खा रहे हो फिर भी इतना गुमान, यानी हमारा ये खेल इनके लिए हल्का निकला है? कोई बात नहीं, इनके साथ कोई दूसरा खेल, कोई बहुत बड़ा खेल खेलते हैं। बहराम खान इससे भी भयंकर खेल खेले, इससे पहले हमें हमारे मित्रों को बचाना होगा।